সজ্ঞানা জি ভালো আছি? স্যার ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? সজ্ঞানা জি কোরা পোরা কহাঁ পর পড়া হ্যায় আর কোরা পোরা সে লেকর টোকিও তক কি আপনি যাত্রা কে অনুভব জরুর দেশ সুননা চাহতা হ্যায়। কোরা পোরা বেঙ্গল সে থে মে কর্ণাটক সে 11 সাল সে খেল রে স্যার। लेकिन सज्ञना जी आपने पावर लिफ्टिंग लिफ्टिंग को ही क्यों चुना? पावर लिफ्टिंग चुना क्यों? स्विमिंग में था, नेशनल चैंपियन बेस्ट ऑफ में। तो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो उस टाइम में कैंप में था। कैंप में रखने के बाद लास्ट में मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मैं छोड़ दिया। तो स्विमिंग छोड़ के कोई साथियों में मेरे को बोले थे तो तुम पावर लिफ्टिंग कर सकता। तो फरमान सर के साथ मिला कांतिराबा स्टेडियम में। तो फरमान सर बोला मैं तो अभी कॉमनवेल्थ गेम का पीजी में है तो मेरा को 1 साल बाद कॉल करो। तो मैं 1 साल पीछे पड़ गया था। उसको बाद फिर सर को छोड़ा ही नहीं, छोड़ने छा ही नहीं। उसके बाद सर के पास आया तो जो नेशनल में जो स्विमिंग का जो क्या बोलना स्विमिंग का कोई कॉलिंग था वो बोला तुम क्या टीम के लिए सिलेक्शन हो पाओगी क्या? तो मेरे को जो थाम लिया जे मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो उस टाइम से मैं इंटरनेशनल बहुत सारे मेडल भी लिया और हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। सकेना जी आप छोटे शहर से आती है, ऐसे में आप शहरों में स्पोर्ट्स को कैरियर बनाने के लिए मेहनत कर रही छोटी छोटी जो बेटियां हैं, क्योंकि आपने बड़ी कठिनाइयों से और बिल्कुल सामान्य स्थिति से सब कुछ पाया है, ऐसे बेटे बेटियां जो आजकल हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में की मिजाज बदला है, आदिवासी अंचल में लोगों का मिजाज बदला है, ऐसी बेटियों को आप क्या संदेश दोगी? मैं तो मतलब बहुत गरीब फैमिली से भी है। मेरा माता पिता फार्मर है और मैं एक छोटा गांव से होके आके मैं मतलब इतना कुछ कर सकता है। मुस्लिम परिवार का भी है और मुस्लिम परिवार से भी है और पैरा एथलेटिक्स भी है। तो इसमें तो मैं बोलूंगी कि गांव को बेटियां में बाहर अंदर से बाहर आना चाहिए और किसी ना किसी को अंदर कुछ टैलेंट छुपा रहता तो बाहर आए और मेहनत करे कुछ ना कुछ बन के मेरा जैसे बनेगी। शाबाश सकेना जी, आपने अपने सपनों का पीछा किया और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया आपने। आप एक जीवंत उदाहरण है कि अगर सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण दिखाया और उसके पीछे लग गए तो सपने सच हो सकते हैं। और मेरा मानना है टोक्यो में जाकर आप देश के सपने को जरूर पूरा करेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबने मिलकर के आपको आगे आने के लिए पूरी सहायता की है। मैं आपके परिवारजनों को देख रहा हूं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा।